हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस विद प्राची। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से राइस सेरल पाउडर बनाया जाता है एंड उस पाउडर को यूज में लेते हुए किस तरीके से आप पोरिज बना सकते हो। ये पोरिज आप अपने बेबी को जब वो 4 मंथ प्लस होता है, एजी फर्स्ट फूड भी आप उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये काफ़ी हेल्थी एंड टेस्टी होता है। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 बाउल राइस। अब हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे, एटलीस्ट 3-4 टाइम्स आपको इसे अच्छे से वॉश करना है। चावल को आपको तब तक वॉश करते रहना है जब तक उसकी पूरी गंदगी निकल नहीं जाए और चावल बिल्कुल साफ आपको दिखाई देने नहीं लग जाए। तब तक आपको इसे अच्छे से वॉश करना है। अब हम इसे कॉटन के कपड़े के ऊपर, आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हो, उसके ऊपर से ड्राई करना है। इसे इस तरीके से फैला दीजिए। ये प्रोसेस एक एक्स्ट्रा प्रोसेस है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे डायरेक्टली भी रोस्ट कर सकते हो। बट हाँ, चावल में से जो पानी होता है वो अच्छे से निकल जाए उसके बाद में आप इसे डायरेक्टली भी रोस्ट कर लीजिए। आफ्टर 20-25 मिनट्स राइस कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद में हमें पैन लेना है, पैन में राइस को ट्रांसफ़र करना है और हमें मीडियम फ्लेम पर तब तक रोस्ट करना है जब तक राइस का कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता है। तब तक हमें इसे रोस्ट करते रहना है। यहाँ पर हमारे राइस अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए रख रही हूँ। जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद में हम इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। हमारा फाइन पाउडर बनकर रेडी है। मैंने इसे काफ़ी स्मूथ बनाया है कि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाए बच्चों को एंड बच्चों को खाने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम इस पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करने के बाद में हम इसे एटलीस्ट 20 डेज तक इसे यूज में ले सकते हैं। अब हम इस पाउडर को यूज में लेते हुए राइस पोरिज बनाएंगे। एक बार जो पाउडर बन जाता है तो राइस पोरिज बनाना काफ़ी इजी हो जाता है एंड टाइम भी काफ़ी कम लगता है। हम कभी भी इस पोरिज को बना सकते हैं अगर पाउडर रेडी है हमारे पास। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पैन। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास वाटर। वाटर को हमें अच्छे से बॉइल्ड होने देना है। उसके बाद में हमें राइस सेरल ऐड करना है इसमें। अब देख रहे हो वाटर बॉइल्ड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 स्पून राइस सेरल। अब हमें इसे अच्छे से मिलाना है कि कोई लम्स ना रह जाए। आप ट्राई कीजिए कि किसी भी तरीके कोई लम्स नहीं रहे आप जब इसे बना रहे हो, क्योंकि लम्स को बच्चों को खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एंड बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता। तो किसी भी तरीके का यहाँ कोई लम्स नहीं होना चाहिए जब आप इसे बना रहे हो। हमें इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जाएगी। अब हमारा टेस्टी राइस सेरल बनकर तैयार है। आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी इस टाइप की है, ये इजीली बच्चे इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।